अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नबील मुख्तार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान छोड़ने के रीजंस कि मैंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा है। बहुत सारे लोग जो मेरी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जो मेरी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते शायद वो कहें कि नहीं जी ये अपने शायद गलत कह रहे हो। हर किसी का अपना ओपिनियन है, सो आई रिस्पेक्ट। तो जो जो जैसा सोचता है वो सोच सकता है, ठीक है। गलत और सही वो आपकी अपनी उस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। सो द रीज़न बिहाइंड लीविंग पाकिस्तान इज़ के कंट्री इस वक्त शदीद इनस्टेबल कंडीशन में, देर आर लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटीज राइट नाउ इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से मुल्क छोड़ना पड़ा। ऑल दो पैसों का कोई मसला नहीं था, ठीक है, और ना ही मैं कोई चीज़ कमाने आया हूँ बाहर, लेकिन इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी कंट्री में जिसके अंदर आपके इकनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और उसके अलावा जो नॉर्मल ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं उसमें इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है कि आप जो है ना कहीं बैलेंस नहीं रह सकते। मैं आपको बताता हूँ कि अब आप लोग बोलेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से आपका क्या ताल्लुक है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी से आपका क्या ताल्लुक है। देखिए, ताल्लुक इनडायरेक्टली हर चीज़ का आपके साथ होता है। लेट सपोज जिस समय मैं रेमिटेंस मंगवाता हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं रिमोट वर्कर, तो मेरे जो पैसे हैं वो बाहर से आते हैं। अब पाकिस्तान में पैसे बाहर से मंगवाना ही बहुत बड़ा अजाब है। चलिए लेट सपोज पैसे मंगवाने की बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि आप पैसे भेज भी नहीं सकते पाकिस्तान से। लेट सपोज आप किसी से काम करवाते हैं, किसी से प्रोजेक्ट करवाते हैं, तो आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके भी फिर बहुत सारी चीज़ें आपको जुगाड़े निकालनी पड़ती हैं, लेकिन हो जाता है। ईज ऑफ डूइंग वर्क और ईज ऑफ डूइंग एनी थिंग इन पाकिस्तान इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत ईजिली आप वहाँ चीज़ें नहीं कर सकते, हर चीज़ की जुगाड़ निकालनी पड़ती, ठीक है। उसके बाद आप सब लोगों को पता है यार पाकिस्तान में पासपोर्ट कैसे बनते हैं, NIC कैसे बनते हैं। मैंने सारे प्रॉपर तरीके आप लोगों को बता के रखे हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, किस तरह पासपोर्ट बनाना है, किस तरीके से ESI चीज़ें करनी है। लेकिन उसके बाद भी दो नंबर तरीके से हर चीज़ पाकिस्तान में बन रही है, तो फिर बाकी दुनिया वालों को भी पता होता है कि यार ये कौन बनता है, कहाँ से आ रहा है। हम सब जानते हैं इतनी ज़्यादा जो है ना नेक सनाउल्ला बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है आप किस तरीके से पासपोर्ट लेके आए। तो फिर उसी तरीके से पाकिस्तानी को दुनिया भर में ट्रीट किया जाता है। चलिए इस बात को छोड़ दें कि किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ मैंने पाकिस्तान छोड़ा क्यों। तो नंबर एक चीज़ तो ये है कि फाइनेंशियल इश्यूज जो है ना वो बड़े मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान से पैसे भेजना, पाकिस्तान से पैसे लाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। हालांकि इन सारी चीज़ में पाकिस्तान को फ़ायदा ही है। उसके बाद आ जाते हैं जो पाकिस्तान के फाइनेंस रिलेटेड ही कर लेंगे आप, बैंकिंग का सिस्टम बहुत अजीब है इस वक्त पाकिस्तान में। स्टिल मैं इतने सारे इमेंट्स देख रहा हूँ जो हो रहे हैं डिजिटल नॉमेंट्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, रिमोट वर्कर के लिए, और बैंक्स बहुत सारे फैसिलिटीज़ दे भी रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ पोस्ट, न्यूज़ और ब्लॉग्स में ही सारी फैसिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैं पाकिस्तान में समझ भी चुका हूँ, उसको फेस भी कर चुका हूँ। बहुत सारी कुछ ऐसी मीटिंग्स भी मैंने अटेंड की थी स्टेक होल्डर्स के साथ, मैंने उनको कहा था कि भाई आप ये सारी चीज़ें बता तो रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ प्रोवाइड कर भी नहीं है, नहीं कर रहे। तो उसमें से एक अच्छा बैंक है जिसके साथ मेरा मेरी मीटिंग भी हुई, बात भी, तो वो कुछ कर रहे हैं लेकिन स्टिल वो सब नहीं कर रहे जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, आज से कुछ महीने पहले तो आपका बैंक अकाउंट भी नहीं खुलता था अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग करते थे आपका बैंक अकाउंट भी नहीं खुलता था। मुझे मिजान बैंक ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था कि नहीं जी हम बैंक अकाउंट नहीं खुलते ऐसे लोगों का, अच्छा ठीक है, लेकिन अब खुल रहा है, ठीक है, अभी ठीक है, अभी इस तरह के वो मसले मसाइल नहीं है। उसके बाद आ जाए, आपको बैंक जो है कोई फैसिलिटी नहीं देता, आपको लोन नहीं मिल सकता वहाँ पे। मैं अभी आने से पहले होम लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, नहीं मिला, बहुत कोशिश है नहीं मिला, ठीक है। ऑल्दो पाकिस्तान के एक अच्छे ब्रैकेट में एक फ्रीलांसर है वो फॉल करता है, जो कि फाइनेंशियली अच्छा स्टेबल होता है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन बैंक अभी भी आपको अलाउ नहीं करते किसी भी किस्म का लोन देने के लिए, किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए, ठीक है। तो ये बैंकिंग का सिस्टम अजीब है। और उसके बाद फिर उनके अलग मसले हैं, अकाउंट ओपनिंग के, डेबिट कार्ड्स के, क्रेडिट कार्ड्स के बड़े मसले हैं, आप खुले अपने लेना है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकता, जुगाड़ हर चीज़ के मौजूद है, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन मसले मसाइल हर चीज़ में चिक चिक पक पक हर चीज़ के अंदर है, ठीक है। तो ये करना है। चलिए इसके बाद फाइनेंशियल इशू छोड़ दें, पॉलिटिकली मसला मैं आपको कैसा, पॉलिटिकल मसला क्या हो सकता है। पॉलिटिकल मसले के अंदर आपने भी पिछले दिनों देख लिया, जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, नौ मई के वाक़ दस मई का वाक़ 12 मई का वाक़ PTI PMLN इस्टेब्लिशमेंट जो सारे मसले चल रहे थे, वट एवर जो भी इशूज़ हैं, इशूज़ पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इनके इशूज़ की वजह से हमारे इशूज़ बढ़ जाते हैं। सही है, आपने देखा होगा कि इंटरनेट बंद कर दिया लोगों, जस्ट फॉर हाइडिंग देयर ओन है ना फेसेस, इन लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया ताकि दुनिया हमें देख ना सके, ताकि पाकिस्तान में अपने कंट्री के लोग असलियतें ना देख सके, उस वजह से इंटरनेट बंद कर दिया गया।
इंटरनेट बंद करने की वजह से आईटी सेक्टर्स को मिलियंस बिलियंस के अंदर नुकसान हुआ, नॉट इन रुपीज, इन डॉलर्स। ठीक है, ये नुकसान ऑल ओवर हुआ, जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज ने खुद बोला कि भाई इंडस्ट्री को इतना ज्यादा नुकसान हुआ सिर्फ 2-3 दिन के अंदर, और ये 2-3 दिन की बात नहीं है। ठीक है, हफ्ता हफ्ता इंटरनेट बंद रहा है और फिर खुला है, फिर बंद रहा है, फिर सही नहीं चल रहा था, फिर पार्शली चल रहा था। उसकी वजह से हम जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, ये टेक्नोलॉजी से हट के भी जो भी फ्रीलांसर्स हैं, भले किसी भी स्किल सेट पे काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। ठीक है, आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो भी देखें, ऊपर कार्ड आ रहा होगा जलालत नाम की वीडियो में। अगर आप मेरी वो जलालत वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से वो पूरा दिन गुजरा जिस दिन इंटरनेट नहीं था। एनीवेज, उसके बाद फिर चलो फिर नेट खुल गया बीच में, फिर दोबारा जो खान साहब जहाँ रह रहे थे जमान पार्क के, मैंने अभी आते ही जब मैं पाकिस्तान से निकल रहा था उससे कुछ दिन पहले मैंने देखा कि जमान पार्क के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के एरिया में इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब भाई 5 किलोमीटर का एरिया बहुत बड़ा एरिया बनता है, और सिर्फ एक डायरेक्शन में 5 किलोमीटर नहीं होता, वो डायगनल होता है 5 किलोमीटर, यानी आपके हर साइड से 5 किलोमीटर, 360 एंगल पे 5 किलोमीटर के जितना भी रेडियस बनता है वहाँ इंटरनेट क्लोज हो जाता है। अब उसके अंदर खान साहब इतने बड़े एरिया में तो रहते नहीं है, अब इर्द गिर्द में भी जो लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो अपने लैपटॉप से काम कर रहे हैं, जो क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, बाहर के कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को फायदा दे रहे हैं और डॉलर्स मंगवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको इतना जो है उस वजह से सफ़र करना पड़ रहा था, लेकिन इस बारे में किसी ने नहीं सोचा, लिटरली किसी ने नहीं सोचा। और मैं पिछले कई सालों से बल्कि कई महीनों से ये चीज़ें फेस करता हुआ आ रहा था, लेकिन लग ही नहीं रहा था दूर दूर तक कि यार पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट या वट एवर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान को इस वक्त चलाने वाले, उस चीज़ के लिए सोच भी रहे हैं कि हम लोगों के लिए बेनिफिट उनको दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले वो हमें क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। और वेरी सून आप देखिएगा कोई भी बेनिफिट मुझे नहीं नज़र आ रहा आगे मिलता हुआ। हाँ कुछ मिल जाएगा, कुछ लॉलीपॉप्स करा दिए जाएंगे आगे पीछे से, लेकिन कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन या कॉन्क्रीट बेनिफिट नहीं है। स्टिल पाकिस्तान की जो करेंसी है 2022 के अंदर 30% डिवैल्यू हुई है। चलो उस डिवैल्यूएशन का फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तान में डॉलर की जो कन्वर्जन है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी जो बता जो नॉर्मल फ्रीलांसर 500-600 डॉलर कमा रहा होता है उसके पैसे डबल हो जाते हैं, यानी 30% अगर डिवैल्यू आपकी हुई है करेंसी तो 30% आपको इंक्रीज हो गया वो अमाउंट, तो ये फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन उस फायदे के दूसरी साइड पे आप देखें ना कितनी ज़्यादा हर किस्म की जलालतें आपके आगे के मौजूद हैं, ट्रैफिक के मसले मौजूद हैं, बैंकिंग इश्यूज मौजूद हैं, और अलावा सारे पॉलिटिकल इश्यूज, हालात ख़राब अलग, और ये सारे मसले मसाइल हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो इस चीज़ को जो है देखना बहुत ज़रूरी है, आपको एट द टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती हैं चीज़ें। ठीक है, तो पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, दुनिया में और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे आप डॉलर की कन्वर्जन से अच्छे पैसे ले सकते हैं, और उस पर लेने के बाद भी बड़ी लग्जरी लाइफ आप इन्जॉय कर सकते हैं। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में सारी चीज़ें बताऊँगा कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं, कहाँ जा सकते हैं, कितने पैसे चाहिए, कैसे लग्जरी लाइफ आप जी सकते हैं। यू वुड नॉट एक्सपेक्ट कि जो है ना किस तरह की लाइफ आप बाहर जी सकते हैं। पाकिस्तान में तो फैसिलिटीज़ ही नहीं है ना, बाहर फैसिलिटीज़ के पैसे की नहीं है, पैसे अगर जितने भी हों लेकिन आप उस तरीके से फैसिलिटेट अपने आप को नहीं कर सकते जिस तरह बाहर मुल्कों में कर सकते हैं। तो भी आगे आने वाली वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता रहूँगा। 2022 के अंदर 8 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए, पर 8 लाख पाकिस्तानी के अंदर 80% तो ऐसे लोग होंगे जो कि हाईली प्रोफेशनल, हाईली स्किल्ड पर्सन और बहुत अच्छा अमाउंट पैसे कमाने वाले होंगे, क्योंकि मैं अपने सर्कल में इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर मंथ कमा रहे थे और सब पाकिस्तान से जा चुके हैं। और उसके अलावा आप लोग सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स चले गए पाकिस्तान से, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, 8 लाख इज अ बिग नंबर, लेकिन अब 2023 शुरू हो चुके हैं, 2023 के स्टार्टिंग तक मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जा चुके हैं, और ये नंबर 8 लाख से लेकर अब 15-20 लाख तक होने वाला है एट द एंड ऑफ 2023। आप लोग देखेंगे कि डिवेल्यूएशन 30% से इंक्रीज होकर 50-60% हो चुकी होगी, और जो पाकिस्तानी 8 लाख पिछले साल गए हैं वो 15-20 लाख हो चुके होंगे। तो वजूहत मैंने आपको सारी बता दी, इसके अलावा बहुत सारी वजूहत है, खैर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन ये वजह है पाकिस्तान छोड़ने की। खैर मैं बिल्कुल पक्का पक्का तो पाकिस्तान नहीं छोड़ के आया हूँ फिलहाल, लेकिन एक अच्छे टाइम के लिए फिलहाल मैं बाहर हूँ, जबकि मुझे नज़र आ रहा है पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्टेबिलिटी उस वक्त दिख नहीं रही है, तो तब तक तो मैं पाकिस्तान से बाहर ही हूँ। जब कुछ देखेगा हाँ भाई पाकिस्तान के माहौल बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान के हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं, आएंगे पाकिस्तान भी आएंगे, देखेंगे वहाँ क्या मामला है, लेकिन अभी के लिए मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ और मैं पाकिस्तान से बाहर ही हूँ फिलहाल। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी, उम्मीद है कि आप जो लोग मेरी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं या वैसे ही जनरली भी अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो आप मेरे ख्याल में इसको समझ सकते हैं सारी बातों को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करें।
इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैं कहाँ मूव हो गया हूँ, कैसे क्या अर्निंग है, क्या फाइनेंशियल थिंग्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसी रिहाइश है, कैसे एक्सपेंसेस हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन पैदा हो और आप लोग भी यार अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है बोल्ड स्टेप्स लें। अगेन ये बोल्ड स्टेप ही होता है, मुल्क छोड़ना इतना आसान काम भी नहीं है। सो ये बोल्ड स्टेप आपको लाइफ में लेना पड़ेगा। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगेन बाय, अल्लाह हाफिज़।